हमारे इस यूनिवर्स के जन्म से लेकर अब तक जो भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, वह एक निश्चित भौतिकी के नियम पर आधारित होती हैं, और ये नियम ब्रह्मांड की हर घटना के लिए एक जैसे ही होते हैं। भौतिकी की ये नियम कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूव्ड नियम है। इन भौतिकी के नियमों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांड का गहराई से अध्ययन किया है। भौतिकी के ये नियम इतने सटीक होते हैं कि इनमें गलतियों की आशंका बिल्कुल नहीं होती। इन नियमों में लगभग या अनुमान जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। वहीं अगर हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करें तो उनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्वांटम जगत वो है जिसके बिना इस दुनिया की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, किसी भी घटना को घटने के लिए अति सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही रहस्यमय प्रक्रिया होती रहती है, और ये क्वांटम फिजिक्स इसी प्रक्रिया को समझाने वाला विज्ञान है। क्वांटम जगत फिजिक्स का ही एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं। इसे फिजिक्स का सबसे कठिन रूप भी माना जाता है। यहाँ पर कब क्या घटित हो जाए, इसके बारे में किसी को भी अंदाजा नहीं हो पाता है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये भौतिक की दुनिया में दिखने वाली बड़ी से बड़ी वस्तु का सूक्ष्मतम रूप होता है। दरअसल ये दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह ही होते हैं, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि जो भौतिकी के नियम इस व्यापक दुनिया में लागू होते हैं, वह नियम क्वांटम वर्ल्ड में बिल्कुल लागू नहीं होते हैं। यह कितनी विचित्र बात है ना, जो रूल उन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने वस्तु पर लागू होता है, वही रूल उन छोटे छोटे कणों पर लागू नहीं होता है। इसी दुनिया को क्वांटम वर्ल्ड कहा जाता है, जहां भौतिकी का कोई भी नियम लागू नहीं होता है, और इसी क्वांटम वर्ल्ड की स्टडी को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। चलिए अब हम क्वांटम फिजिक्स को और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके हाथ में पेन या कोई पेंसिल है। जाहिर सी बात है कि ये पेन आपके हाथ में सॉलिड रूप में मौजूद होगी। क्या हो अगर हम कहें कि आपके हाथ में मौजूद ये पेन वेव के रूप में है, तो आप क्या कहेंगे? चलिए अब हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक करते हैं। जब इसको माइक्रोस्कोप से जूम किया जाता है तो पता चलता है कि ये पेन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। जब इसे और भी ज़्यादा जूम करते हैं तो ये पता चलता है कि ये सभी क्वार्ट्ज से मिलकर बने होते हैं। जब आप इसे और भी ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पर देखोगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये सभी वेव से बने होते हैं, जिसे एनर्जी भी कहा जा सकता है। यही उस वस्तु का क्वांटम लेवल होता है, जहाँ पर फिजिक्स का कोई भी रूल लागू नहीं होता है। शायद यही रीजन हो सकता है कि क्वांटम पार्टिकल अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। इनके एक्सपेरिमेंट से कब क्या रिजल्ट सामने आ जाए, यह कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए लोग क्वांटम वर्ल्ड को लॉजिक और कॉमन सेंस के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहीं क्वांटम फिजिक्स में तो लॉजिक की धज्जियां उड़ जाती हैं। आई होप क्वांटम फिजिक्स के बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।